दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में पासवर्ड को लगा के और उस पासवर्ड को हम भूल गए हैं तो हम किस तरीके से इसके पासवर्ड को रीसेट करेंगे। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें अपने लैपटॉप में सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ से अपने एक फ़ोन का नेट कनेक्शन और हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ रीसेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ से रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने शो होने लगा है। तो यहाँ से हमें फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हमें अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं मालूम है तो हम फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी हमारे लैपटॉप में फ़ोन नंबर हमारा साइन इन होगा उसी फ़ोन नंबर को यहाँ पर हम डालेंगे। तो मतलब फ़ोन नंबर का लास्ट फोर डिजिट हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो फ़ोन नंबर का फोर डिजिट लास्ट का यहाँ पर डालना होगा और लास्ट का फोर डिजिट डालने के बाद हमें कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से पहले हम लास्ट फोर डिजिट डालेंगे अपने फ़ोन नंबर का और यहाँ से हम इसको कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब कॉन्टिन्यू पर यहाँ पे गेट कोड वाला ऑप्शन होगा, हमें इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे हम गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फ़ोन नंबर है उसी फ़ोन नंबर पर एक फोर डिजिट का ओटीपी आ जाएगा। मतलब जो भी फ़ोन नंबर अभी हमने डाला है, जो भी फ़ोन नंबर यहाँ पर अभी हमने फिल किया है अपने नंबर का फोर डिजिट लास्ट का, उसी नंबर पर हमारा ओटीपी आएगा। और ओटीपी आने के बाद उस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैंने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ से अब हमें नेक्स्ट करना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद मैंने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ से आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ से आप अपने मतलब जो पासवर्ड को भूल गए हैं उस पासवर्ड को आप यहाँ से नया पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको नया पासवर्ड जो भी बनाना है वो पासवर्ड डाल देंगे। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई डालना होगा। तो हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे जिसमें नंबर भी हो और उसमें ABCD का भी अक्षर हो और नंबर का भी हो और या तो फिर @ या फिर हैज, उसमें से कुछ भी, मतलब तीनों में से आपका पासवर्ड डालना इसमें अनिवार्य है। तो तीनों का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इसमें डालेंगे और तीनों का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें से डालने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से पहले हम अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हम यहाँ से ABCD में से कुछ अच्छा ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से गिनती वाले में से कुछ अक्षर हम लेंगे और यहाँ से @ या फिर हैज में से हम कुछ भी नंबर इसमें से टाइप कर लेंगे जो पासवर्ड हमें लगे कि ये पासवर्ड हमारा सिक्योर रहेगा। तो उस पासवर्ड को हम यहाँ से बना लेंगे। और पासवर्ड बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन इन। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमने जो भी अभी अपना पासवर्ड बनाया है, जो हमने अभी एक नया पासवर्ड अभी क्रिएट किया है, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना होगा। और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ से साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा लैपटॉप लॉगिन हो जाएगा, हमारा लैपटॉप का पासवर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ से जो पासवर्ड अभी हमने बनाया था उस पासवर्ड को हम यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लैपटॉप का जो नया पासवर्ड होगा वो नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और पुराना पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने लैपटॉप का अगर पासवर्ड भूल गए हैं या फिर कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसी तरीके से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं।